दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार को अब काला जठेरी गैंग से खतरा है। तभी जो गैंग उसके छत्रसाल स्टेडियम में शव पाता था, आज उसी गैंग से सुशील को जान का खतरा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि काला जठेरी गैंग के डर से सुशील नेपाल भाग सकता है। आगे जानिए क्या है पूरा मामला। पुलिस के साथ साथ सुशील की तलाश इन दिनों काला जठेरी गैंग को भी है। दरअसल 4 मई की रात को सुशील और उसके साथियों ने सागर की तो पिटाई की ही थी, उसके साथ ही एक सोनू नाम के शख्स को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में यह बात सामने आई कि सोनू गैंगस्टर काला जठेरी के सगे मामा का बेटा है। यही वजह है कि सुशील से सांठ गांठ रखने वाले काला जठेरी गैंग के गुर्गे उसकी जान के दुश्मन बने हैं। वहीं सागर की हत्या होने के बाद पहली बार सुशील एक टोल के सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। इसमें वह एक कार में एक अन्य शख्स के साथ बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह फुटेज उस दौरान का है जब घटना के बाद वह उत्तराखंड की ओर जा रहा था। तकनीकी सर्विलांस में भी उसके उत्तराखंड की ओर जाने की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि उधर से ही सुशील नेपाल जा चुका है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सुशील पेशेवर अपराधी की तरह बर्ताव कर रहा है। वो कई सिम कार्ड के जरिए अपने सहयोगियों के संपर्क में रहता है। वो पुलिस की जांच के भटकाने के लिए अपने सहयोगियों की मदद से सर्विलांस पर लगे अपने सिम का इस्तेमाल करवाता है, ताकि पुलिस को लगे कि सुशील दिल्ली के आसपास मौजूद है। जांच के दौरान पुलिस को कई सिम नंबरों का पता चला है, जिसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सुशील एक बार फिर अदालत से जमानत की गुहार लगा सकता है या फिर आत्मसमर्पण कर सकता है। सुशील पहलवान की कई गैंगस्टरों से सांठगांठ सामने आई है। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि गैंगस्टरों के गुर्गे छत्रसाल स्टेडियम में आते थे। जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुशील कुमार की गैंगस्टर काला जठेरी वलारेंस विश्नोई से सांठगांठ सामने आई है। वो इन गैंगस्टर व उसके गुर्गों को शह देता था।